मैं विनय दुबे मुंबई से। आज का जो वीडियो है, मैं निवेदन करूंगा कि सभी भारतीयों के मोबाइल तक ये पहुंचना चाहिए। अगर उन तक नहीं भी पहुंच पा रहा है तो कृपया उन मजदूरों तक जरूर पहुंचाएं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उन मरीजों तक जरूर पहुंचाएं जो इलाज के लिए दूसरे राज्यों में आए थे लेकिन इस सरकार की सनक बिना मतलब बिना प्लान किए लॉकडाउन की वजह से वो फंस गए हैं। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचना चाहिए मेरे भाइयों। मैं जानता हूं कि आज जो मैं करने जा रहा हूं या जो चीज की मैं घोषणा करने जा रहा हूं उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सरकार उठा के जेल में डाल देगी, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात रखने जा रहा हूं, डंके की चोट पे रखने जा रहा हूं, सरकार की छाती पे चढ़ के मैं आज ये चीज करने जा रहा हूं। कृपया मेरा जो संदेश है वो सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। और जितने भी मेरे पत्रकार मित्र और यूट्यूब चैनलों पे जो लोग हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आज शाम तक ये सारी जो जानकारियां हैं, मेरी जो निवेदन है, ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप तक है। आप लोगों ने मेरी बात पूरे देश में फैलाई है आज तक। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं, इसको लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आज नरेंद्र मोदी जी आते हैं और ये लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा देते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने पूरे वाक्य में जो तबका, जो गरीब है, जो भुखमरी से मर रहा है इस समय, जिसके घर में राशन नहीं है, उसके लिए 1% की चिंता उन्होंने नहीं व्यक्त की। वो आदमी कैसे जिंदा रहेगा, कैसे वो अपना पेट पालेगा, किस तरह से वो अपने परिवार के बीच में पहुंचेगा, इसकी कोई भी चिंता वहां पे उन्होंने नहीं व्यक्त की है। कैसे करेंगे? ये सरकार अमीरों की है, गरीबों का आज कोई सुनवाई नहीं है, उनके घरों में राशन नहीं है, उनके पेट में एक निवाला नहीं जा रहा है। कितने कितने दिनों से सिर्फ पानी और बिस्किट पे ये भुखमरी में जी रहे हैं, इस पे चिंता करने वाली आज कोई सरकारें नहीं है देश में। अरे जिस भारत को अर्थव्यवस्था में 1 नंबर पे पहुंचाया, जिस अर्थव्यवस्था, जिस देश के विकास के लिए ये मजदूर वर्ग दिन रात अपना खून, अपना पसीना देता है, अपनी सारी मेहनत उसको देता है ताकि ये देश चमक सके, और आज उन्हीं चमक के बीच में ये मजदूर अंधेरे में रहने पे मजबूर हैं। आज वही मजदूर बिना भोजन किए सो रहे हैं, भुखमरी में आज उनकी नौबत है। एक एक दिन, एक एक घंटा कैसे वो निकाल रही है उनका दिल जानता है। उनको एक आस थी कि आज मोदी जी आएंगे, हमारे लिए कोई रास्ता निकालेंगे। क्या आप चाहते हैं इसे लाशें, कोरोना से ज्यादा लाशें, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, कोरोना से ज्यादा लाशें इन भुखमरी की वजह से मजदूरों की गिरेगी, इसके लिए कोई चिंता नहीं कर रहा है। मैंने बार बार सरकार को चेताया, मैंने बार बार सरकारों की, मजदूरों की यथास्थिति के बारे में लिखा, मैंने उनको बताया कि मजदूरों की इतनी यथाशक्ति नहीं है, उनके जेबों में पैसे नहीं है, उनके घर में राशन नहीं है, वो कैसे जिंदा रहेंगे। मैंने बार बार लगातार राज्य सरकारों को लिखा, लेकिन राज्य सरकारों का जो रवैया था वो ऐसा था कि वो नहीं चाहते कि आप लोग उनके घर, उनके राज्य में वापस आए, आप लोग जहां हैं वहीं मर जाएं, इनको आपके नागरिकों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अमीरों के लिए सरकारें हैं। एक बात बताएं, जिस कोरोना को अमीरों ने जहाजों से लेके आए भारत में, उसकी गलती की सजा आप गरीब क्यों भुगते? जिन अमीरों की वजह से आज कोरोना पूरे देश में फैला है, उनकी सजा ये मजदूर क्यों भुगते? ये बेमौत क्यों मरे भुखमरी से? एक 10x10 के रूम में 8-8, 10-10 लोग रह रहे हैं, जानवरों जैसे कैद होके वो रह रहे हैं। एक उम्मीद थी उनको कि आज इन मजदूरों को अपने घर जाने का मौका नरेंद्र मोदी जी देंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, 3 मई तक उसको लॉकडाउन को बढ़ा के चले गए। कैसे जिंदा रहेंगे ये लोग, कौन पालेगा इनको, कैसे ये जीवित रहेंगे, इसकी कोई भी चर्चा नहीं हुई। कैसे होगी? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं है। इसी के लिए ध्यान में रखते हुए मैं उस तबके को रिप्रेजेंट करता हूं, प्रतिनिधित्व करता हूं जो गरीब तबका है। मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जो, जिनका कोई सहारा आज नहीं बन रहा है। मैंने पिछले कई सालों से इनके लिए संघर्ष किया है मुंबई महाराष्ट्र में। मैं आज वापस, मैं थक गया हूं बार बार राज्य सरकारों, केंद्र सरकार को निवेदन कर करके। कितना पत्र लिखूं मैं, कितने ईमेल्स लिखूं आपको, कितने लोगों की जानकारी या उनकी व्यथाएं मैं लिखूं, मैं तो लिख ही रहा हूं। ये जो लेबर है, ये जो मजदूर है, उन्होंने वीडियो बना बना के अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मदद मांगी, लेकिन आज तक उनको मदद के नाम पे कुछ नहीं हुआ। आप उनको मरने के लिए छोड़ सकते हैं, मैं नहीं छोड़ सकता साहब, मैं नहीं छोड़ सकता।
मेरे अंदर आज इंसानियत जिंदा है। मैं भले मुझे पता है ये वीडियो के घोषणा के बाद में मुझे जेल हो जाएगी, मुझे मंजूर है, मुझे उसकी कोई डर नहीं है। अगर मैं अपने लोगों को नहीं संभाल पाया, नहीं जीवित रख पाया, तो इससे बड़ा कलंक मेरे माथे पे कभी नहीं, पूरे जीवन रहेगा ये चीज, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के लिए मैं आज घोषणा करता हूं तमाम पूरे देश के नागरिकों से, अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपने परिवार के बीच पहुंचना है, अगर आपको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, तो आज आप लोगों को सरकार के विरुद्ध आवाज उठाना पड़ेगा। मैं विनय दुबे घोषणा करता हूं, सरकार की छाती पे पैर रख के घोषणा करता हूं कि आगामी 18 अप्रैल तक जितने भी मजदूर मुंबई महाराष्ट्र में फंसे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचे, वहां पे जमा हो, वहां पे आए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, कोरोना का संक्रमण नहीं फैलाना है, उस हिसाब से हम लोग वहां पे आएंगे और हम लोग लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे बैठ जाएंगे। हम लोग घरों में बैठे हैं, मर रहे हैं भूखे, कम से कम अब संघर्ष करते हुए हम अपनी जाने देंगे। इन लोगों के जो मुझे मैसेजेस आते हैं, 10,000 मैसेज मुझे रोज आते हैं, उसमें वो लोग मुझसे ना भोजन मांगते हैं ना राशन मांगते हैं। मैं सरकारों से बताना चाहूंगा, वो मुझसे सिर्फ एक चीज मांगते हैं कि विनय जी कैसे भी करके मुझे मेरे पिताजी के पास पहुंचा दीजिए, मेरे गांव पहुंचा दीजिए, मुझे मेरे बच्चों तक पहुंचा दीजिए, ये मांगे होती हैं उनको। आज उनको मुंबई महाराष्ट्र में भोजन नहीं चाहिए, उन्हें राशन नहीं चाहिए, बस उन्हें अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने पत्नी के बीच में जाना है, अपने गांव उन्हें वापस जाना है, चाहे जैसे। मैं घोषणा करता हूं कि अगर 18 तारीख तक हम लोग, चाहे आज 3-4 दिन है हमारे पास, पैदल निकले जैसे चाहे मन वैसे हैं, सभी लोग 18 तारीख तक शाम तक, रात तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे पहुंचेंगे और हम लोग वहीं जाके बैठ जाएंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक केंद्र सरकार ये रेलवे उत्तर भारत के लिए और रिस्पेक्टिव राज्यों के लिए चालू नहीं करेगी। तब तक हमारा संघर्ष वहीं पे संविधान के दायरे में। आज बाबा साहब जी का जन्मदिन, आज उनकी जयंती है, मैं उनको नमन करते हुए, उनकी बनाए हुए संविधान को मान देते हुए, मैं संविधान के दायरे के अंदर रह के हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। आज मैं ये घोषणा करता हूं, जो भी मजदूर वर्ग, जो भी मजदूर और मजबूर भाई हैं मेरे, जो अपने घरों में बंद हैं, अब वो बाहर धीरे से निकलें और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचें। और जो गुजरात में हैं या अलग अलग राज्यों में फंसे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपने अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पे जाएं और वहीं बैठ जाएं और अपनी वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के ऊपर संदेश भेजे कि अब हम लोग यहां बैठे हैं, हमारा जिंदा रहना, हमारा मरना आपके हाथों में है, अगर रेलवे चालू नहीं होगी तब तक हम लोग यहां पे बैठेंगे। और इस पूरे भारत में जो आंदोलन चलेगा उसका जो केंद्र होगा वो मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे होगा। मैं उन तमाम महाराष्ट्र के, मुंबई के खास करके मजदूर वर्ग से निवेदन करूंगा कि आप पैदल निकले, एक दिन लगे, दो दिन लगे, चलेगा, पैदल निकले और लोकमान्य तिलक पहुंचे। आप जो घरों में बैठे हैं, जो घरों में आप भुखमरी की हालत है, आप आए, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, मैं आपको पानी पिलाऊंगा वहां पे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप लोग बाहर निकले और अपने घर पहुंचने के लिए ये संघर्ष में मेरा साथ दे। मैं आपको वादा करता हूं कि केंद्र सरकार को ये रेलवे चालू करने पे मजबूर करेंगे हम। वो कैसे नहीं करते हम देखते हैं, एक मानवीय आधार पे लाखों की संख्या में अगर हम वहां पे जमा होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर वो एक मानवीय आधार पे हम निवेदन करेंगे कि इतने सारे लोग हैं, इनको घर पहुंचाएं, इनकी जिम्मेदारियां हैं। ये भले डायरेक्ट गांव जाने के बाद डायरेक्ट परिवार में ना जाए, वहां उनको 14 दिन क्वारंटाइन कर दिया जाए, ये उसके लिए तैयार हैं, ये सारी मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कैसे भी करके अपने घर, अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। तो मैं विनय दुबे इस आंदोलन की शुरुआत करता हूं आज से। आज बाबा साहब जी की जयंती है, उस दिन के शुभ मुहूर्त पे मैं ये आंदोलन की घोषणा करता हूं और कोरोना जैसी महामारी के बीच में ये जो मजदूर वर्ग है जो भुखमरी से मर जाएगा, उसे जिंदा रहने की लड़ाई मैं आज ये शुरू करता हूं। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब से निवेदन करता हूं, उनको कसम देता हूं, सौगंध देता हूं, उस व्यक्ति की जिसने पूरे विश्व में अपना डंका बजाया, मैं हिंदू हृदय सम्राट सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी की सौगंध देता हूं उद्धव जी को, अगर आपका, आपके अंदर उनका खून है तो आप इन मजदूरों की लड़ाई आप लड़ेंगे। बाला साहब जी ने हमेशा से मजदूरों को और जरूरतमंद लोगों के पीठ पे हमेशा हाथ रखा है, उनको कभी भी उनके आंखों में आंसू आने नहीं दिए। महाराष्ट्र का इतिहास रहा है
लोग कहते थे कि महाराष्ट्र में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। ये सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी का, उनकी जो कार्यशैली थी, उनके अस्तित्व की वजह से ये मुमकिन था। आज उसी महाराष्ट्र की भूमि पे लोग भूखे हैं। आज आपको उनकी आवाज बननी पड़ेगी। आपको मैं विनय दुबे उद्धव जी साहब ठाकरे साहब को सौगंध देता हूँ, कसम देता हूँ, उन बाला साहब ठाकरे जी का जिनके आप पुत्र हैं, सर आज सही में वापस हमें बाला साहब ठाकरे जी की कमी महसूस हो रही है। आप उस कमी को पूरा करें। मैं एक निवेदन करता हूं, ये जो मजदूर बाहर निकलेंगे, कृपया उनके ऊपर कोई लाठी न चले, इसकी आप संज्ञान ले, इसकी आप व्यवस्था करें। ये मजदूरों के ऊपर अगर लाठी चल गई तो ये महाराष्ट्र का अपमान होगा, एक बहुत बड़ा कलंक होगा कि वीर भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि, सम्माननीय बाला साहब ठाकरे की भूमि पे एक असहाय, एक बेबस आदमी पे लाठी चली है। इस कलंक को बचाने के लिए मैं निवेदन करता हूं आपसे उद्धव जी, आप हम आपकी तरफ उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह से हम सम्माननीय बाला साहब ठाकरे की तरफ देखते थे, ठाकरे जी की तरफ देखते थे। निवेदन है, आज आपको वापस उनकी भूमिका निभानी पड़ेगी। और हम हक से आपसे कह रहे हैं, ये कोई निवेदन नहीं है, मैं हक से इस महाराष्ट्र के भूमि का लड़का होने के नाते मैं हक से आपसे कहता हूं कि अगर बाला साहब ठाकरे जी इस समय जीवित होते तो इन मजदूरों के लिए वो केंद्र सरकार से लड़ जाते, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए वो केंद्र सरकार का कॉलर पकड़ के अपने अंदाज में ही कबूल करवाते, उनको मनवाते। आज उनकी जगह उनकी गद्दी पे हम आपको तरफ देख रहे हैं। आपसे हमें बहुत अपेक्षाएं हैं, कृपया हमें निराश ना करिएगा। और अपनी पुलिस को कृपया इतना एक मानवीय आधार पे निवेदन है, ये ऑलरेडी भूखे लोग हैं, इनके पेटों में भूख है, इनके पेटों में निवाले नहीं है, अन्न नहीं है, ये ऑलरेडी आधे मर चुके हैं। इन पे पुलिस की तरफ से लाठियां चला के इनको और ना परेशान करे और ना उनको मारे, निवेदन है मेरी तरफ से उद्धव जी के लिए। और मैं मानता हूं कि वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पे चलने वाले, उनके रक्त के, उनके गद्दी पे बैठे हुए उनके उत्तराधिकारी हैं। इतना मजदूर मजबूर लोगों के लिए वो जरूर करेंगे। मैं तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि भरोसा रखें, आज नहीं तो कल इस आंदोलन का फल जरूर निकलेगा। हम घरों में बैठे रहें तो कुछ नहीं होने वाला। सरकार ने जब जब हमें दबाने की कोशिश की है, हमें अनदेखा करने की कोशिश की है, जनता जब जब रस्ते पे उतरी है तब तब सरकार को बातें माननी पड़ी है। और ये एक ऐसी चीज हम मांग कर रहे हैं जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जीवित रहने के लिए जरूरी है। हम कोई अलग से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने की विनंती केंद्र सरकार से कर रहे हैं। और मुझे आशा है केंद्र सरकार इस पर सकारात्मक जवाब देगी और ये रेलवे जरूर चालू होगी, भले ही 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए करें, लेकिन ये चालू करना इस समय बहुत जरूरी है ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, वो अपने घरों तक पहुंच जाए, अपने परिवार के बीच पहुंच जाए। वहां भले वो कोरोना से मर जाए, चाहे वो भले वहां भुखमरी से मर जाए, उनको एक संतुष्टि रहेगी, कम से कम उनको एक शांति रहेगी कि वो अपने परिवार के बीच में है। एक छोटे से निवेदन के साथ ये आंदोलन का मैं आगाज करता हूं और उन तमाम मेरे मजदूर भाइयों से कहता हूं कि जब भी आपको समय मिले 18 तारीख से पहले 18 तारीख तक रात तक आप सभी वहां पहुंचे। 18 तारीख को मैं खुद शाम को वहां पहुंचूंगा और वहां पे आमरण उपोषण करूंगा, बिना पानी बिना भोजन किए मैं रेलवे चलाने के लिए वहां पे अनशन पे बैठूंगा। और ये अनशन तब तक चलता रहेगा, या तो मेरी लाश गिर जाएगी या रेलवे चालू हो जाएगा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आपको आपके घर तक पहुंचाने का जो मैं संकल्प लिया हूं वो जरूर पूरा करूंगा, भले इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, भले मुझे जेल में उठा के डाल दिया जाए, चाहे दफा 188 लगा दी जाए, चाहे रासुका लगा दिया जाए, मुझे मंजूर है। लेकिन अब सरकारों को इन मजदूरों की आवाज सुननी पड़ेगी। अगर वो नहीं सुनेंगे तो मैं सम्माननीय बाला साहब ठाकरे जी का कसम खा के कहता हूं, इन सरकार केंद्र सरकार के कान के नीचे इतनी झंझनाहट पैदा कर दूंगा कि इनको ये बात सुननी पड़ेगी। हम इस महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़ाकू वंशज हैं, लड़ाकू सैनिक हैं। मैं उसी माटी की कसम खा के कहता हूं, उसी वीर भूमि महाराष्ट्र की कसम खा के कहता हूं, इन मजदूरों को इनके घर तक पहुंचा के ही दम लूंगा, चाहे उसके लिए मेरी लाश ही क्यों न गिर जाए। कृपया ये संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आप अलग अलग राज्यों में जहां फंसे हैं, गुजरात में फंसे हैं, आप नजदीकी रेलवे स्टेशन पे जाएं, बैठें, हमारे आंदोलन में शरीक हों, शामिल हों। और इस पूरे भारत के आंदोलन का जो केंद्र होगा वो मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनस
कुर्ला टर्मिनस होगा, जहां पे हजारों लाखों की संख्या में मजदूर भाई जमा होंगे 18 तारीख तक, और 18 के बाद हम लोग एक देशव्यापी आंदोलन वहां से शुरू करेंगे। अपने आप को सुरक्षित रखे हुए आप आए, एक दूसरे के बीच में जरूरी अंतर रखें, सरकार ने जो कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन रखा है, मुंह पे मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और उसके साथ में संविधान के दायरे में रहते हुए हम कोई हल्ला नहीं मचाएंगे, हम कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, हम कोई बसें नहीं जलाएंगे, हम कोई रास्ता नहीं रोकेंगे। संविधान के अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है उसको मानते हुए हम लोग शांतिपूर्वक अपना आंदोलन 18 तारीख की शाम से हम वहां पे शुरू करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पे पहुंचें और आंदोलन को सफल बनाएं। और ये आंदोलन केवल उत्तर भारतीय, असमिया, बाकी राज्यों के लिए लोग नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जो मराठी भाई भी फंसे हुए हैं, जो अपने गांव जाना चाहते हैं, यह आंदोलन उनके लिए भी है। यहाँ पे रह के भाड़े भरने से अच्छा अपने गांव में जाके अपने लोगों के बीच आप रहें, ये निवेदन है। और सरकार जो है इस पे गंभीरता से विचार करे, कोरोना ना फैले उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता करते हुए ये ट्रेनों को चालू करें और अपने अपने जो लोग हैं अपने अपने घरों तक, अपने राज्यों तक पहुंचाए, ये निवेदन करता हूं। और आंदोलन हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इन मजदूरों को, इन गरीबों की व्यवस्था नहीं करती है। मैं थक चुका हूं निवेदन करते करते, अब मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं पड़ा है, अब आर या तो पार। जाते जाते बस इतना सा निवेदन करना चाहूंगा, जब लोग यहाँ पे घरों में बंद थे, मैंने आपसे हाथ फैला के मांगा कि इन लोगों के भोजन की व्यवस्था करनी है, आप लोगों ने दिल खोल के मदद किया। आज मैं वापस एक बार आपसे हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि इस आंदोलन में कितना दिन लगेगा हमें नहीं पता है, जब तक हम लोग उस स्टेशनों पे रहेंगे, वो आंदोलन जब तक चलेगा तब तक इन लोगों की, जो वहां पे मजदूर लोग आएंगे, जो मजबूर लोग आएंगे, उनके पेट में निवाला डालने की जिम्मेदारी हमारी है, उनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं आप लोगों से एक बार वापस निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आप लोगों ने दिल खोल के मेरा साथ दिया था राशन और भोजन बांटने के लिए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस आंदोलन में अगर आप आर्थिक मदद भेजते हैं तो इन लोगों को मैं निवाला खिला पाऊंगा, जितनी यथाशक्ति है उससे ज्यादा खिला पाऊंगा अगर आप लोग पूरा साथ देते हैं तो। मैं वापस से अपना पेटीएम और गूगल पे और UPI ट्रांसफर नंबर मैं आपको देता हूँ, कृपया अपने यथाशक्ति की वजह तरफ से, जो भी आपकी यथाशक्ति है, आप जो भी आपकी स्वेच्छा है उसके हिसाब से आप अपनी तरफ से अनुदान भेजें, ताकि इस आंदोलन में कहीं पे भी पैसे की कमी या फिर इस आंदोलन में भोजन और पानी की कमी इन मजदूरों को महसूस हो। मेरा गूगल पे नंबर है और पेटीएम नंबर दोनों एक ही है, 9820833213। गूगल पे 9820833213, पेटीएम नंबर 9820833213। अगर आप ऑनलाइन या भीम ऐप से या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो मेरी UPI जो ID है 9820833213। इस नंबरों पे आप मदद भेजें, मैं आपको वादा दिलाता हूं, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी मजदूर इस आंदोलन में भूखा नहीं सोएगा। और उन तमाम मजदूरों से निवेदन है, आप लोग घरों से बाहर निकलें, आपके पेट में भोजन डालने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको पानी पिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, और सबसे बड़ी बात, आपको अपने माता पिता, आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके पत्नी के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। भले मेरी लाश गिर जाएगी, मंजूर है, लेकिन आप लोगों को किया हुआ वादा मैं जरूर पूरा करूंगा। तो जो भी लोग मदद करना चाहें, इस समय सही में हमारे देश के मजदूर लोगों के लिए जरूरत है। इस आंदोलन में आने वाले उन तमाम लोग हमारे भरोसे आ रहे हैं, तो उनको भोजन, उनको पानी देने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं जानता हूं, पिछली बार मैंने आपसे निवेदन किया, आप लोगों ने दिल खोल के मदद किया था, इस बार भी आप लोग उसी तरीके से आप मदद करेंगे, क्योंकि ये आपके ही परिवार के लोग हैं, ये आपके अपने भारतीय नागरिक हैं, और इन लोगों को पेट में भोजन और पानी पिलाना ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपनी तरफ से जो भी मुमकिन हो पाए वो मदद जरूर करें। इस बार लड़ाई जो है वो आर पार की है, और मुझे पूरा विश्वास है मजदूरों के लिए जब भी आवाज उठी है, विजय मजदूरों की ही हुई है, और उसमें आप लोगों की अहम भूमिका है जो घरों में है। कृपया सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो मेरा उन हजारों लोगों, लाखों लोग, करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं, और इस मुहिम में साथ देने के लिए मैं निवेदन करता हूं ये वीडियो सभी तक जरूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।